आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो हमको आंख खोलकर दिखता है वो इनको आंख बंद करके दिखता है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दीक्षा। दीक्षा बुलंद शहर में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी हैं, तमाम जो आसपास का एरिया है इनके बारे में जानता है कि इनको आँख बंद करने के बाद में सब कुछ दिखता है। हम इनसे जानेंगे कि और इसका रियलिटी टेस्ट भी करेंगे कि इनको क्या क्या दिखता है। दीक्षा, आप क्या क्या आँख बंद करने के बाद देख लेती हैं? जो आप सब खुली आँखों से देखते हैं वो मैं बंद आँखों से देख सकती हूँ। अच्छा, ठीक है, हम आपको कुछ चीज़ दिखाएंगे और उसके बारे में मतलब पढ़वाएंगे भी उसको ये क्या है और इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए ये क्या है, इसका कलर कैसा है? ब्लू है जी। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बुलंदशहर, फॉर्म 23, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल देखिए, इन्होंने ये एक RC थी उस पर लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, तो इन्होंने वो पढ़ के बताया है। इसके अलावा यहाँ पे और भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम इनको पढ़ाएंगे। अच्छा दीक्षा, ये क्या है इसको बताइए? ये एक बैग है जी, डार्क ब्लू। इसका कैसा कलर है? डार्क ब्लू जी। इस पर क्या लिखा हुआ है? रोहन मोटर्स लिमिटेड और REGD ऑफिस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बराकुंबल लेने, न्यू दिल्ली 110001, PH 2341 4714। देखिए ये भी इन्होंने बहुत छोटे अक्षरों में लिखा था, ये भी पढ़ लिया हमारे साथ में। एक ये है, ये क्या चीज़ है इसको? ये नोटबुक है ब्लू कलर। इसमें क्या लिखा हुआ है? डेलवेक्सी जी जी। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है छोटे अक्षरों में? लॉन्ग बुक। तो देखिए नीचे बहुत छोटे में लिखा हुआ था लॉन्ग, वो भी इन्होंने बताया है। तो कहीं ना कहीं जो दावे हैं दीक्षा को लेकर वो सही साबित हो रहे हैं। और हमारे साथ में है कुछ चीज़ें, ये क्या है? न्यूज़पेपर है जी। इस पर ये क्या लिखा हुआ है इसके बारे में बताइए? ये दैनिक जागरण, काबुल हवाई अड्डे पर कहराम जी, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने की कोशिश तेज। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए ये भी इन्होंने पढ़ के बताया है। और हम देखेंगे इसका पेज नंबर क्या है इसका, ये यहाँ लिखा हुआ है कौन? 4 है। तो देखिए ये भी ये सब बता पा रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इनके बारे में कहा जा रहा है वो अभी तक सच साबित हो रहा है। और एक हमारे पास में ये है, इसमें ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है हमारे? ये नोटबुक है बच्चों की जिसपे बी लिखा हुआ है। अच्छा, बी लिखा हुआ है। और ये इस वाले पेज के नीचे क्या लिखा हुआ है? इस पर भी बी है। अच्छा, सब पे बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब और पढ़ते हैं, इस पर क्या लिखा हुआ है? ये सी है और ये डी है। अच्छा अच्छा, देखिए और भी हम देखते हैं बारीकी से। ये क्या लिखा हुआ है? लेसन 1 क्वेश्चन, व्हाट डिड विलियम सी डुलागा डू टू नो अबाउट ऑल रियल फीलिंग ऑफ द पीपल इन इंडिया? वी वुड टॉक वर्ल्ड ऑफ क्वेर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोडक्ट इन दिस वे वी वॉज ट्राइंग टू गेट। तो बिल्कुल देखिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दीक्षा है वो आँख बंद करके जो छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं उस सबको भी बड़ी बारीकी से पढ़ पा रही हैं और जिसमें किसी प्रकार की कोई मतलब कमी भी नहीं आ पा रही है। तो इसको लेकर जो दीक्षा के बारे में कहा जाता है वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। अब हम दीक्षा से बातचीत करेंगे, हम पट्टी खुलवाएंगे और इनसे जानना चाहेंगे। इसको पट्टी को मैं कहूँगा, आप इसे खोल दीजिएगा ज़रा और इनसे हम बातचीत ये करेंगे। इसको खोल दीजिएगा, देखिए अब जो आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी उसको जो खोला जा रहा है धीरे धीरे कर रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं जो दीक्षा की वो पट्टी बंधी हुई थी ब्लैक, उसको खोल दिया गया है और आँखों पे जिस तरीके से कॉटन ये सब लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद जो दीक्षा आँख बंद करने के बाद में सब कुछ पढ़ा। दीक्षा, ये आपको कब से ये एहसास होने लगा कि आपको आँख बंद करने के बाद? ये मुझे 8th class से एहसास हुआ। कैसे पता लगा फर्स्ट टाइम? मैं TV देख रही थी पापा के साथ, तो अचानक से मुझे शो हुआ TV आँख बंद करके भी दिखता है मुझे ऐसा जी, तो तब से ही मुझे आता है। और क्या क्या देख पाते हैं आप? और सब कुछ देखती हूँ, जैसे बाइक चलाना, साइकिल चलाना, और जो आप सब खुली आँखों से देख के कर सकते हैं वो मैं बंद आँखों से देख के कर सकती हूँ। तो आप कहाँ पढ़ते हैं आप स्कूल में? स्कूल में जयपुर। जयपुर पढ़ते हैं। जयपुर से आप कहाँ तक का देख सकते हैं? बताया जाता है आपके बारे में कि आपने वहाँ से बुलंदशहर का देख लिया था। हाँ, वो कभी कभी शो हो जाता है। अच्छा, वो भी हो जाता है कभी कभी। तो इसके लिए आपने कहीं कोई कोचिंग वगैरह कुछ लिया इसके जैसे कोई होता है? इसकी कोचिंग नहीं ली मैंने। अच्छा अच्छा, जैसे बहुत सारे जादूगर हैं वो कहीं से सीख लेते हैं, कभी किसी जादूगर के संपर्क में आप आए क्या? नहीं। तो आप इसको क्या मानते हैं? ये नेचुरल थिंग है। कभी कभी होता है जो मिड ब्रेन तीसरी आँख होती है वो खुल जाती है कहीं, वही सब तो है? हाँ वो होगा। तो बिल्कुल देखिए, ये दीक्षा है, ये साफ तौर पर इनका कहना वही है कि जो आपको आँख खोल कर दिखता है वो इनको आँख बंद करने के बाद दिख जाता है। बुलंदशहर से JK247 न्यूज़ के लिए मैं परविंदर लोधी।